भिवंडी शहर के टंडेल मोहल्ला एरिया में डामर से भरा हुआ एक ट्रक चैम्बर में फंस गया, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि कई सालों तक बुरी हालत में रहने के बाद अभी हाल ही में गटर्स पर स्लेप और चैम्बर लगाने का काम किया गया था। लोगों का कहना ये है कि ये इंसिडेंट कॉरपोरेटर और कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से पेश आया है। भिवंडी कॉरपोरेशन का एक और अजीब और गरीब कारनामा शहर में बहस का मुद्दा बना हुआ है। कॉरपोरेशन ने शहर से कचरा उठाने का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दे रखा है। साथ ही कॉरपोरेशन ने एक रुपए सालाना किराए पर करोड़ों की घंटा गाड़ियां ठेकेदारों को दे दी है। कॉरपोरेशन ने साल 2020 में ये गाड़ियां, जिन्हें शहर में साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करना था, उन्हें टोटल 10 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसके बाद से वो गोदामों में पड़ी रहती थी और अब सिर्फ साल का एक रुपए किराया रख कर ये गाड़ियां ठेकेदारों को दी गई हैं। भिवंडी के कारीवाली गांव में बड़ी मिकदार में खैर की लकड़ियां बरामद की गई, जिसकी कीमत तकरीबन 50,000 रुपए बताई जा रही है। फॉरेस्ट ऑफिसर ने खुफिया जानकारी की बिना पर छापा मारकर छुपाई गई लकड़ियों को बरामद कर लिया और उन्हें पड़गा में लकड़ियों के गोदाम भेज दिया। आगे की जाँच जारी है। भिवंडी कॉरपोरेशन ने 4 खस्ता हालत इमारतों के पावर और पानी कनेक्शन काट दिए हैं। मॉनसून के पहले पहले भिवंडी कॉरपोरेशन कमिश्नर सुधाकर देशमुख के ऑर्डर पर पद्मानगर में 4 ऐसी इमारतें जिनकी हालत खराब है, उनके पानी और पावर कनेक्शन काट कर बिल्डिंग खाली करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जिस तरह 2020 में जिलानी बिल्डिंग हादसे में 38 लोगों ने जान गंवाई थी, उस तरह का कोई हादसा दोबारा पेश न आए। भिवंडी वार्ड नंबर 10 की महिलाएं पानी की तकलीफ की शिकायत लेकर नगर सेवक अशरफ खान उर्फ मुन्ना कंजी के पास पहुंची, जिसके बाद महिलाओं का कहना है कि नगर सेवक ने उनके साथ बदतमीजी की और गाली दी, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। पानी आता है पानी। पूरा महीने में 4 दिन पानी अच्छे से आया है, अब पूरा रमजान मैंने एकदम सत्यानाश कर दिया है। 2 बजे बताएंगे ना सबको कैसे गाली दिया जा रहा है। आप गाली क्यों दिया? वो गाली क्यों दिया? हम लोग को गाली को काट नहीं करना चाहिए था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा कैमरे में कैद हो गया है, जहां एक बाइक सवार एक लेन से दूसरे लेन की तरफ बाइक बिना देखे मोड़ता है और पीछे उसी वक्त एक बस उन्हें रौंदते हुए चली जाती है। बाइक पर सवार पति और पत्नी की मौके पर मौत हो गई। और भी ज्यादा दुख की बात तो ये है कि बाइक पर सवार महिला गर्भवती थी और हादसे में उनका होने वाला बच्चा भी मर गया। पुलिस इस सारे मामले की जाँच में जुट गई है। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इलाके में एक केमिकल कंपनी में आज दोपहर तकरीबन 3 बजे भयानक आग लग गई, जिसके बाद फायर फाइटर्स आग को बुझाने में लग गए, लेकिन अब तक आग लगने की वजह और नुकसान की खबरें सामने नहीं आई हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे को बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने चुनौती दी और कहा कि जब तक नॉर्थ इंडियन से राज ठाकरे माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उन्हें वो अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। बता दें कि 5 जून 2022 को राज ठाकरे अयोध्या का दौरा करने वाले हैं, लेकिन बीजेपी सांसद का कहना है कि राज ठाकरे ने नॉर्थ इंडियंस के बारे में बहुत बुरा भला कहा, यहां तक कि महाराष्ट्र में उन पर हमला भी करवाया। भिवंडी में ईद के त्योहार पर अलग अलग जगहों पर मेला लगाया जाता है, जहां बच्चे और औरतें ज्यादा तादाद में आती है। ऐसे में नौजवान लड़कों का इस मेले में दखल देना और लड़कियों को छेड़ने जैसे कारनामे करने से अक्सर झगड़े हो जाते हैं। इस बार भी शांतिनगर, दीवान शाह, साफिया स्कूल वगैरह मेलों में ईद के तीनों दिन 2 से 4 झगड़े नोट किए गए। ऐसी जगहों पर पुलिस बंदोबस्त रहना बहुत जरूरी है। भिवंडी के खाड़ी पार में एक लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस को जांच के दौरान एक पर्स बरामद हुआ, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस था और इस ड्राइविंग लाइसेंस से उस शख्स की पहचान सुरेंद्र जनार्दन तावड़े के तौर पर हुई है। आगे की जांच निजामपुर पुलिस कर रही है। आपको हमारी टॉप न्यूज टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।